हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको ई बाइक ई स्कूटी जो होती है उसका कंट्रोलर है उसकी रिपेयरिंग आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप उसको जो है रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास देखिए जैसे कि कंट्रोलर्स आया हुआ है। ये ओकिनोवा जो है स्कूटी का कंट्रोलर है। तो इसमें हम देखते हैं आज फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं और फिर आपको इसके साथ मोटर चला हम आज रन करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है ओके होने के बाद जो है इसकी स्पीड रहेगी, कैसे जो स्कूटी की जो है स्पीड रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ जो है हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो कंट्रोलर है, पहले तो हम इसकी जो है पीसीबी बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ये हमने इसका जो सर्किट है इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके सबसे पहले अगर कोई भी कंट्रोलर होता तो हम उसकी मॉस्फेट चेक करते हैं, वो भी डायोड रेंज पे है, क्योंकि मॉस्फेट जब उसकी ओके होती हैं तभी जो है नेक्स्ट सेक्शन हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है, हम इस पे पॉजिटिव प्रोब रखते हैं और इन सब टर्मिनल पे हम जब चेक करते हैं तो देखिए जो है दो टर्मिनल जो मोटर के हैं उन पे जो है रीडिंग आ रही है, यानी कि यू पे जो है हमें रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे 0.003, लेकिन वी और डब्ल्यू पे हमें जो है बराबर रीडिंग मिल रही है। तो हमारे जो यू जो मोटर की वायर है इसके ऊपर रीडिंग नहीं मिल रही है, तो हमारी इस सेक्शन की क्या है मॉस्फेट खराब है। और हमने नेगेटिव पर जो है पॉजिटिव प्रोब रखी है, तो ये जो है नेगेटिव साइड की यानी कि लोअर साइड की मॉस्फेट जो है फॉल्टी है। ऐसे ही हम अपर साइड की मॉस्फेट चेक करने के लिए अब हम पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव प्रोब रखते हैं और मोटर वायर पर फिर से जो है चेक करते हैं। तो देखिए अब रीडिंग जो है तीनों टर्मिनल पे हमें मिल रही है, तो हमारी जो अपर साइड की जो मॉस्फेट है वो तीनों ओके हैं। अब अगर इस तरफ आपको दिखाएं तो इस कंट्रोलर के अंदर जो है 12 मॉस्फेट लगी हुई है, 6 आपकी अपर साइड की मॉस्फेट होती है इसके अंदर और 6 लोअर साइड की मॉस्फेट होती है। अगर आपको ऐसा पता ना चले कि कौन सी अपर की है और कौन सी लोअर की है, तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को हमें बीप रेंज पे लगाना होता है। बीप रेंज पे लगाने के बाद एक प्रोब आप नेगेटिव टर्मिनल पे रखिए और दूसरी प्रोब से हम सोर्स को टच करेंगे। जिस मॉस्फेट का सोर्स जो है बीप करेगा वो लोअर साइड की मॉस्फेट होंगे, जिनका सोर्स बीप नहीं करेगा वो क्या होंगी अपर साइड की। तो देखिए इस साइड की जो मॉस्फेट, ये दो मॉस्फेट और ये दो मॉस्फेट, ये बीप कर रहे हैं लेकिन बीच वाले दो बीप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है दो हमारा लोअर ड्राइवर सेक्शन, ये अपर ड्राइवर सेक्शन, ये लोअर ड्राइवर सेक्शन, ये अपर ड्राइवर सेक्शन और ये लोअर ड्राइवर सेक्शन। तो लोअर ड्राइवर सेक्शन के अंदर हमारा फॉल्ट था, तो फॉल्टी मॉस्फेट को चेक करने के लिए हम गेट टू सोर्स जो है रीडिंग लेते हैं। गेट टू सोर्स जब रीडिंग ले रहे हैं तो देखिए बीप के साथ कुछ वैल्यू, कुछ रीडिंग हमें शो हो रही है, जैसे इस पे 24.5 और दूसरी मॉस्फेट पे हम चेक करें तो इस पे 44.4 जो है रीडिंग हमें मिल रही है। तो जो कम रीडिंग जिस मॉस्फेट की आ रही है वो मॉस्फेट जो है फॉल्टी होने के ज़्यादा चांस हमें होते हैं, तो इसलिए हम इस मॉस्फेट को सबसे पहले निकालेंगे। अगर ये मॉस्फेट निकालने के बाद अगर रीडिंग हमें बराबर मिल जाएगी तो हमारी ये एक ही मॉस्फेट जो है फॉल्टी है। अगर बाद में भी ऐसे गेट टू सोर्स चेक करने पर दूसरी मॉस्फेट बीप करती है तो हमारी दूसरी मॉस्फेट भी फॉल्टी है। ऐसे आप मॉस्फेट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इन मॉस्फेट को निकालते हैं और नेक्स्ट सेक्शन फिर आपको चेक करवाते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा हल्का सा पेस्ट लगा दिया है। जब भी आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करो, हल्का पेस्ट लगा के अगर हम करते हैं तो उससे जो है प्रिंट खराब होने के चांस कम हो जाते हैं।
तो हमारी ये मॉस्फेट, हमने एक मॉस्फेट को निकाल दिया है बाहर। अब फिर से हम जो है मॉस्फेट की चेकिंग करते हैं, तो ये हमने नेगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब रखी है, और ये मोटर वायर पे जब हम रखते हैं, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके, तो देखिए अब इस पे रीडिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो हमारी जो है यहीं वाले जो है मॉस्फेट इसमें फॉल्टी थी। वैसे हम दूसरी मॉस्फेट को अगर चेक करना चाहें तो अब देखिएगा इसमें जो है बराबर रीडिंग हमें मिलनी चाहिए, जो कि मिल रही है। अब हम आपको इस मॉस्फेट को भी चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये जो मॉस्फेट को चेक करते हैं हम, तो देखिए पहले ही जब हम सोर्स पे रख रहे हैं तो रीडिंग क्या हो जा रही है, 0.04, यानी कि क्या उसके ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट इसके हो चुके हैं, तो ये मॉस्फेट हमारी ख़राब हो चुकी है। अब हम सेम नंबर की जो है दूसरी मॉस्फेट यूज़ करते हैं, इसको भी हम पहले चेक करते हैं कि हमारी मॉस्फेट ओके या नहीं। इसके लिए हम देखिए अब ड्रेन टू सोर्स जब चेक कर रहे हैं तो हमें 0.504 रीडिंग जो है मिल रही है। एक बार हम गेट को टच करते हैं, वापस जब हम इस सोर्स पे रखेंगे तो ये रीडिंग जो है कम हो जानी चाहिए, जो कि हो रही है। ऐसे हम वापस अगर इन तीनों टर्मिनल को टच करके वापस रखते हैं तो देखिए हमारी रीडिंग फिर से इसमें आ जाती है, तो हमारी ये मॉस्फेट ओके है। हम इस मॉस्फेट का यूज़ इस कंट्रोलर में करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसके होल साफ़ कर लेते हैं ताकि हम मॉस्फेट को अच्छे से लगा सकें इसके अंदर। देखिए जब भी आप होल साफ़ करो इस पर पहले हल्का सा पेस्ट लगाइए। पेस्ट लगाने के बाद हम इनके होल साफ़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसके जो है होल साफ कर दिए हैं इस मॉस्फेट के। अब हम जब भी दूसरी मॉस्फेट लगाएंगे पहले इसके जो है ड्राइवर सेक्शन के भी जो है कंपोनेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब मॉस्फेट जब ख़राब होती है तो इसके जो ड्राइवर सेक्शन के कंपोनेंट्स, रजिस्टर वगैरह, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर सब हमें चेक करने चाहिए। सबसे पहले हम इसके गेट के साथ लगे कुछ फ्यूज रजिस्टर चेक करते हैं। आपको दिख नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसी बारीक जगह पे ये जो है रजिस्टर लगे हुए हैं। ये 10 ओम का रजिस्टर एक मॉस्फेट के गेट के साथ, ऐसे ही दूसरी मॉस्फेट के साथ भी एक 10 ओम का रजिस्टर जो है लगा हुआ है, उसको भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्पेस बहुत कम है। ये दोनों 10-10 ओम के रजिस्टर जो है इसके अंदर ओके हैं। बाकी कंपोनेंट्स को आपको दिखाते हैं। ये जैसे 56 ओम का रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं तो देखिए वैल्यू ओके आ रही है। अभी 2R2 2.2 ओम का रजिस्टर जो है इसको चेक कर लेते हैं, ये भी जो है रीडिंग सही दे रहा है। ऐसे ही हम सब रजिस्टर को जो है चेक करते हैं। अभी ये हमारे सारे रजिस्टर अगर ओके हैं तो अब हम इसमें लगाएंगे वापस से मॉस्फेट, और आपको ड्राइवर सेक्शन भी एक बार चेक करवा देते हैं। डायोड रेंज पे अगर हम जब लगाते हैं तो हमें गेट टू सोर्स जब इनकी रीडिंग लेते हैं तो देखिए जो रीडिंग ये ₹1509, ऐसे ही जो है हमें सेम दूसरे सेक्शन में रीडिंग मैच करवानी होती है। ये देखिए लगभग जो है सेम रीडिंग आ रही है। ऐसे ही हमें प्रोब चेंज करके भी रीडिंग मैच करनी होती है 706। ऐसे ही हम अगर दूसरे सेक्शन में कंपेयर करें तो 708। हमारी जो ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू जो ओके ड्राइवर सेक्शन है उसके साथ मैच हो रही है, तो हमारा ड्राइवर सेक्शन क्या है इसका ओके है। अब हम इसमें लगाएंगे वापस से मॉस्फेट।
देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इसके अंदर मॉस्फेट लगा दी है। अब इसको कर देते हैं ट्रैक को क्लीन। अब इसकी फिर से जो है रीडिंग लेते हैं एक बार। देखिए हमने रेड पे ब्लैक प्रोब रखी है और ये डायोड रेंज पे हम जो है रीडिंग ले रहे हैं 480, 74, 58 जो है लगभग सेम रीडिंग आ रही है। 10 का अंतर, 20 का अंतर चल जाता है। ये हमारे जो है तीनों सेक्शन मॉस्फेट के ओके हो चुके हैं। इनके ड्राइवर सेक्शन भी अब नया भी कंपेयर करके देखें, ड्राइवर सेक्शन भी ओके है। अब हम इसका जो है डीसी टू डीसी जो कन्वर्टर सेक्शन है इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि ये ओके है या नहीं। अगर आपको समस्या आएगी की वायर इसमें पहचानना हो तो ये 20 ओम का रजिस्टर होता है, इससे आप देखोगे कि डायोड लगा होगा और डायोड से जो पिन बीप करेगी। इसमें जब हम डीसी टू डीसी को चेक करते हैं तो आपके पास समस्या होती है कि कौन सी पिन इसमें की वायर की है, तो इसके लिए आपको ये 20 ओम का रजिस्टर देखना है। इसके बाद एक डायोड लगा होगा, डायोड ये जिस पिन से दूसरी साइड से बीप करेगा वो क्या होगी, VCC की पिन होगी, की वायर की पिन होगी। तो इसमें हम अब सप्लाई देते हैं। ये हमारे पास 72 वोल्ट का कंट्रोलर है तो ये हम इसमें 72 वोल्ट जो है पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करी है और ऐसे ही हम जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वायर कनेक्ट करते हैं। अब हम सप्लाई ऑन करके जो है मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम आपको दिखाएं तो ये एक रेगुलेटर IC लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर IC लगी हुई है, इसकी एक पिन जो बीच की पिन है इस पे 3.3 वोल्ट के आसपास जो है हमें वोल्टेज मिलते हैं जो कि आ रहे हैं, और इसकी जो साइड वाली जो पिन है, फर्स्ट जो पिन है, इस पे हमें 6 वोल्ट के आसपास मिलते हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। ऐसे ही जो है अगर आपको इसके अंदर 14 वोल्ट चेक करनी है तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर IC लगी हुई है, इस ड्राइवर IC की एक नंबर पिन पे हमें 14 वोल्ट मिलने चाहिए तो हमारा 14 वोल्ट का सेक्शन भी क्या होगा, ओके होगा। तो इसकी एक नंबर पिन पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए 14 वोल्ट पे हमें जो है प्रॉपर मिल रहे हैं। तो हमारा इसका जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है वो भी बिल्कुल क्या बता रहा है, ओके है। अब हम ऐसे ही देखिए इसमें हमें होल सेंसर लगाने, तो होल सेंसर पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव वायर पे हमें 6 वोल्ट के आसपास मिलती है और बाकी जो इतने UVW जो इसके होते हैं या फिर येलो ब्लू ग्रीन वायर होते हैं उन पे हमें 3.3 वोल्ट के आसपास हमें जो है मिलती हैं। तो देखिए तीनों पॉइंट्स पे हमें जो है सेम वोल्टेज मिल रही है। तो और जो मोटर वायर होती है इन पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, देखिए सब पे जो है 0 जो है वोल्ट हमें मिल रही है। बाकी अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए बिल्कुल ही जो है कम वोल्टेज इसमें हमें देखने को मिलने, बाकी सब जो है लगभग 0 वोल्ट के आसपास इसमें है। तो अब हम इसको जो है सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और मोटर को आपको रन करवा के दिखाएंगे कि ये हमारा कंट्रोलर कैसे जो है रन मोटर को करता है। बाकी इसमें अगर एक्सीलेटर के वायर देखने तो एक्सीलेटर के इसमें 3 वायर यहाँ दिए हुए होते हैं, एक वायर ये जो ग्रीन वायर है, ये ब्लैक वायर है और ये इसमें पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव पे वहीं 6 वोल्ट आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके जो है कनेक्शन हमने कर लिए हैं ताकि टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसके लिए। अब हम इसमें जो सप्लाई कनेक्ट कर दिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, अब हम एक्सीलेटर देके देखते हैं कि हमारी मोटर रन करती है यानी हमने मोटर इसके साथ लगा दी है। तो देखिए मोटर जो है मैचिंग की जो है अब मोटर में दिक्कत है तो हम वायर मैच करवाते हैं, ये वायर आपस में मैच करवाने के मोटर हल्का सा रन होने के लिए कोशिश की मोटर ने इनमें दूसरे दूसरे वायर।
ये हमने वायर चेंज किए हैं, अब फिर से चेक करते हैं। तो देखिए हमारी जो मोटर चल रही है ऐसे, जो हमारा कंट्रोलर जो है ओके हो चुका है। देखिए कितनी आराम से जो है मोटर हल्का सा एक्सीलेटर देने पर, देखिए स्लोरिंग में खा गई। तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से जो है हमने कंट्रोलर को जो है रिपेयर किया, जो स्कूटी का जो कंट्रोलर था वो आपको दिखाया। ऐसे ही अगर आप किसी अन्य कंट्रोलर को भी अगर आप रिपेयर करना सीखना चाहते हो, किसी बाइक स्कूटी रिक्शा कार जो है इस प्रकार के अगर आप कंट्रोलर रिपेयर करते हो या सीखना चाहते हो, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या इंस्टीट्यूट आप विजिट करके एक बार देख सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।